हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मोहम्मद आजम समीर। आज मौसम है थोड़ा सा अच्छा, लेकिन हब से बहुत ज़्यादा, और मैं एक सड़क किनारे खड़ा हूं, और मेरे पीछे है जी सब्ज़ा बहुत ही मज़े का। तो मैंने कहा कि आपसे चंद बातें कर ली जाए, जो उन लोगों के लिए कि जो अपना करियर देखते हैं जी दूसरी दुनिया में। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो का जो उन्वान है वो बहुत ही अच्छा है। वो है दोस्तों कि आप दुनिया में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, वो है जी लग्जमबर्ग। इसके अलावा भी बहुत सी दुनिया में पैसा है, लेकिन यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, यानी कि अमीर लोगों का देश। तो वो पैसा कैसे कमाया जा सकता है, किस तरह कमाया जा सकता है, ये है जिस वीडियो का अनुमान। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लग्जमबर्ग का टूर वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लग्जमबर्ग है इसका जो वर्क परमिट है, या यहाँ से आप जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं, कौन से आसान रास्ते हैं जिनको अपना के, जिन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप लग्जमबर्ग जा सकते हैं एज ए वर्क परमिट, मैं वो चीज़ें आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लग्जमबर्ग, मैंने पहले बताया था कि ये वाहद यूरोप का कंट्री है जहाँ की जो सैलरी है वो 3,000 यूरो से भी ज़्यादा है, इवन दो कि यू कैन गेट मोर देन 5,000 यूरो स्पेन में, या दूसरे कंट्रीज में 700, 800 या 1,000 यूरो तक सैलरी है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने काम करना है और 3 से 10 लाख के दरमियान उनको लेबर चाहिए। और ये वाहद कंट्री है जिसका GDP दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और बीइंग ए यूरोपियन कंट्री, तो अगर यूरोप में जाना है तो आपको लग्जमबर्ग जाना चाहिए। दिस इज़ माई एडवाइस, और मे बी दिस इज़ माई सजेशन, यू कैन गो एनीवेयर। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग के लिए बहुत से लोग कहते हैं जी हमें CV दें, 7 दिन के अंदर वीज़ा लें, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, और आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा लगवा के भी दे देते हैं, ये नहीं कि लगवाते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ख़ुद अप्लाई करें लग्जमबर्ग के लिए। लग्जमबर्ग बहुत ही अच्छा कंट्री है, तो इस सिलसिले में मैं आपको 2 से 3 वेबसाइट्स बताऊँगा जिस पर आप अपनी CV अपलोड कर सकते हैं, या आप अपना कवर लेटर अच्छा बना के आप जॉब ले सकते हैं, और मे बी विदिन 7 to 8 days। उनमें जो सबसे पहले है वो है जी LUXE लग्जे टैलेंट, या लग्जे जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको 300 से भी ज़्यादा, और मे बी मोर देन 300 इस तरह की कैटेगरी ऑफ जॉब्स आएंगी कि यू वुड बी स्टन टू हैव सच अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म इन योर लाइफ। आप बिलीव करें, बिलीव मी और नॉट, कि इस वेबसाइट में आपकी जो भी बैकग्राउंड होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, अगर आप आर्कियोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, अगर आप MBBS आपने किया हुआ है, या अगर आप कोई भी टेक्निकल काम जानते हैं, या आपको कोई भी काम आता है, सो बिलीव मी और नॉट, यू कैन गेट योर कैटेगरी ईजीली। आप अपनी कैटेगरी को वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का इतना आसान, और इसका जो लिंक है इस वेबसाइट का LUXE लग्जे टैलेंट, मैं वो भी इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको लगेगा कि जैसे लग्जमबर्ग इज़ फॉर यू। बहुत सी कैटेगरी हैं, इवन दो होटल मैनेजमेंट की, और आम छोटी मोटी लेबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी CV स्ट्रांग होनी चाहिए, और CV स्ट्रेंथ के बारे में ये बताता चलूं कि आपको यूरोपियन स्टाइल की CV बनाना होगी, आपको ऐसे रफली नहीं CV बनानी, यूरोपियन स्टाइल की CV, वो भी उसका भी लिंक मैं आपको बता देता हूं, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, यू कैन गेट इजीली। उसके अलावा दोस्तों, एक और वेबसाइट है जी जिसका नाम है LHHH या LHH, ये जो LHH की जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपने जस्ट अपनी CV ही अपलोड करनी है। आप बिलीव करें, आपने अपनी CV अपलोड करनी है, और ये वो वेबसाइट है जो आपको विद इन 7 डेज़, आपको ये समझ लें कि मिडल
मिडल मैन का किरदार अदा करती है ये वेबसाइट। आपके रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी, जहाँ भी आप फिट होते होंगे, वो ये निकालेगी। निकालने के बाद आपको उस कैटेगरी में लेके जाएगी और आप जहाँ पे फिट होते होंगे वहाँ पे आप अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं और वहाँ पे आप कर सकते हैं जी अपने जॉब के लिए अप्लाई और जॉब को अच्छे तरीके से अटेन कर सकते हैं। LHHS के बारे में एक और भी राय है, वो ये है कि ये भी डायरेक्टली आपको जॉब पे नहीं लेके जाती, ये आपको इनडायरेक्टली, लेकिन दिस इज़ रियली अ बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो टू लक्जमबर्ग। इसके बाद दोस्तों आ जाता है monster.lu और इसके अलावा luxembourg.lu भी है। इसके अलावा यूरोप में यूरेक्सिस है, यूरेक्सिस एक वेबसाइट है। ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे पोस्टों का हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये यूरेक्सिस जो है ये तो यूरोप के किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं, लेकिन लक्जमबर्ग है इसके लिए कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और अगर आप PhD हैं और अगर आप पोस्ट डॉक पे जाना चाहते हैं, तो फिर आप इस वेबसाइट पे स्पेसिफिकली लक्जमबर्ग का लिख के आप उसको सर्च करें। सो यकीन करें, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर। ये तीन वेबसाइट्स हैं मेरे नज़दीक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्क परमिट के लिए, वीज़ाज़ के लिए आप किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं दें, खुद अप्लाई करें। आप यकीन करें, अगर आप खुद अप्लाई करेंगे, अगर आपका एक महीने में नहीं होता, दो महीने में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, इवन दो आपको 5 साल भी लग जाएं, बट आई गारंटी यू कि यू कैन गेट योर जॉब योरसेल्फ। आप को इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप इन वेबसाइट्स को सर्च करेंगे कि आपकी सोच है, और मे बी विद इन 7 डेज, बट आई बैट कि आप मे बी विद इन 7 डेज आप अपनी जॉब को हासिल कर सकते हैं, वो भी ईजीली, बिलीव मी और नॉट। दूसरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे लक्जमबर्ग के अंदर सारी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी बिल्कुल ही फ्री, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, यानी कि इतनी आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपको मज़ा आएगा यहाँ पे काम करके। और यहाँ पे आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, आप यकीन करें। हाँ, थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन आपकी जो लॉजिंग है, आपके रहने का जो ख़र्चा है, अगर आपकी जो कंपनी है वो अगर कर दे, तो यकीन करें आप यहाँ से, मेरा ख़्याल है कि 15 से 2,000 यूरो तक बचा सकते हैं। कमा तो आप बहुत ज़्यादा सकते हैं, और आप देख लें अब यूरो कितने रुपए का जा रहा है। तो मेरे नज़दीक आप जो बचत है आपकी 4 से 5 लाख से भी ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ ईज़ीली एक आम छोटे से वीज़े पर हों। अगर आप मैनेजेरियल जॉब पे हो, अगर आप टीचिंग के जॉब में हो, अगर आप रिसर्च के जॉब में हो, तो फिर आप समझे कि आप क्या कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप अपना कवर लेटर बहुत खूबसूरत बनाएं। कवर लेटर आप जब गूगल में जाके लक्जमबर्ग के कवर लेटर पे जाएंगे तो बहुत से फॉर्मेट्स आपके पास आएंगे। आप अच्छे तरीके से उनको पढ़ें, अच्छे तरीके से उनको देखें कि उसमें क्या क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने किस तरह का कवर लेटर बनाना है। दूसरी बात, CV, बहुत से लोग हैं जो आपको CV भी बना देंगे, लेकिन इस सिलसिले में मैं कहूँगा CV भी आप ख़ुद बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। और मुझे यकीन है कि अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत से CV बनाएंगे तो जॉब आप ज़रूर हासिल करेंगे। लक्जमबर्ग जाएँ दोस्तों, बहुत अच्छा कंट्री है और दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है, और अपनी रिप्यूट बनाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप जब लक्जमबर्ग जाएँगे, उसके बाद आप दुनिया के किसी वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो रिजेक्ट नहीं होगा। इन बातों के साथ दोस्तों अपना रखिए ख्याल, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।